देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे साथ बाबा सत्यनारायण मौर्य जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे बाबा जी से। बाबा जी, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। बाबा जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से कल भव्य कहा जाए भारत माता की आरती की गई और आपने इस आरती के ही साथ एक इतने अच्छे विषय का वो कहा जाए शुरुआत किया, कुष्ठ रोगियों की स्वस्थ कन्याओं को अलग आश्रम, क्या कहेंगे इसमें? ये देश में से कई स्थानों पर जो आजकल प्रकल्प चालू हुए हैं समाज सेवा के लिए, क्योंकि आज तक समाज में धर्म को हम क्या मानते थे, पूजा करना धर्म है, भगवान को स्नान करना धर्म है, भजन करना धर्म है, लेकिन ये समाज की सेवा करना ये भी धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, हमारे संतों ने शुरू से माना है कि समाज के अंदर परमात्मा है, तो उसी का एक स्वरूप ये रुद्रपुर में कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिए छात्रावास जो खुला है उसी के निमित्त कार्यक्रम था। तो ऐसे कार्यक्रम, तो इन अच्छे कार्यक्रमों को प्रणाम करने के लिए कार्यक्रम था भारत माता की आरती का। विशेष रूप से बाबा जी, आप देश में तो करते ही हैं, विदेशों में भी ये कार्यक्रम करते हैं, विदेशों में जो भारत माता की आरती होती है उसका क्या रुझान होता है जब वहाँ पे आप भारत माता की आरती करते हैं? विदेश में जो मेरे कार्यक्रम दो प्रकार से होते हैं, एक वहाँ के भारतीयों के लिए होते हैं और दूसरे वहाँ के विश्व में जो अलग अलग लोग हैं उन लोगों के लिए होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जहाँ हम भारतीय धर्म की बोलते हैं, सनातन धर्म भी बोलते हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं, तो अन्य क्रिश्चियनिटी किसी सीमा में बंधी हुई है, इस्लाम सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं सीमा होती नहीं है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, ओषधिया शांति। अब इस बात को हमारे ऋषि मुनि ने कहा, अंतरिक्ष साफ होना चाहिए, वायु साफ होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, इसी बात को आज UNO बोलता है, सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, सेव अर्थ। तो कुल मिलाकर भारतीय जो धर्म है वो धर्म ये नहीं कि हम इतनी बार पूजा करें, इस प्रकार कपड़े पहने, छोटी चीज़ उठकर हमारा धर्म है। हम बोलते थे संग अच्छो धम, सम बदध धम, संभव बनाने जानता, हम सब साथ साथ चलें, हमारे मन एक जैसे हो, हम सब मिलजुल कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है। हमारी आंखें 100 साल तक देखती रहें, हमारे कान 100 साल तक सुनते रहें, हम दिमाग से अच्छा अच्छा सोचें, ये हमारा धर्म है। तो भारतीय धर्म जिसको हम बोलते हैं तो पूरा वैश्विक धर्म है। तो इसको जब हम अमेरिका में बोलते हैं तो अमेरिका वाले और लंदन वाले, उन सबकी समस्या अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमारा तो मानवीय धर्म है। अमेरिका वाला मानव है, लंदन वाला मानव है, हम जब बोलते हैं कि दूसरी सेवा करो तो दुनिया भर के लिए है। तो मेरा जो कार्यक्रम होते हैं तो भारतीय लिए होते हैं, वो भारतीय विषय को लेकर होते हैं, भारतीय परंपरा को लेकर होते हैं, भारतीय समाज को लेकर होते हैं, फिर विदेश के लोग भारतीय समाज में कैसे सहयोग कर पाए उसके लिए होते हैं, और बाकी जो दुनिया के लिए कार्यक्रम होते हैं, हम सब स्वस्थ रहें ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम पानी को बचाएं पूरी दुनिया के लिए संदेश है। जैसे हम भारत की नदी को हम श्रद्धा से देखते हैं तो विदेश में केवल इतना अंतर है, हम गंगा की पूजा करते हैं लेकिन गंगा को हमने गंदा कर दिया। अमेरिका वाले गंगा की पूजा नहीं करते, उनकी मिसिसिपी की पूजा नहीं करते हैं, नियाग्रा की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नदियाँ साफ हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था उसी बात को हम अलग रूप में इस रूप में बोलते हैं कि वहाँ के लोग पानी को साफ रखते हैं लेकिन पानी की पूजा नहीं करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं लेकिन पानी को साफ रखते हैं। तो हमारी नदी के प्रति आध्यात्मिक भावना और अमेरिका की जो नदी के प्रति भौतिक भावना है, अगर वो दोनों मिल जाए तो शायद एक नई दुनिया जिसको हम बोलते हैं उसका एक उत्थान हो सकता है। वरना जैसे अमेरिका बोलता है कि सेव एनवायरमेंट, वनस्पति साफ रहना चाहिए, लेकिन उसे कहना हमारी वनस्पति को कष्ट नहीं होना चाहिए। अमेरिका में आप वहाँ की लकड़ी नहीं काट सकते, लेकिन अमेरिका जितनी लकड़ी उपयोग करता है, ब्राज़ील की लकड़ी काट लो, भारत की लकड़ी काट लो, तो उनका कहना है अमेरिका की वनस्पति है शांति। अमेरिका में यूनियन कार्बाइड नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो यूनियन कार्बाइड कहाँ लगे, तो उन्हें भारत में लगा दो। तो जो अमेरिका की सोच है उसकी अमेरिका से बाहर सोचनी है। अब धीरे धीरे ये अंतर आ रहा है कि वो भी इसके लिए जागृत हो रहे हैं, जैसे वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट के खिलाफ भारत में जब आंदोलन हुआ तो लोग बोलते हैं स्वदेशी भावना है तो पिछड़ेपंथी लोग हैं, लेकिन वॉलमार्ट के खिलाफ अमेरिका में आंदोलन हो रहा है। मैं जब कई बार कार्यक्रम करता हूँ तो आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका की जो लोकल कोल्ड ड्रिंक कंपनियाँ वो मेरे कार्यक्रम प्रायोजित करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक कंपनियाँ खुद परेशान है। जैसे अपने भारत में चाय की दुकान है, नमकीन की दुकान है, पान की दुकान है, सब अलग अलग लोग दुकान है, कोई शर्मा पान स्टार, कोई वर्मा पान स्टार, कोई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सब अलग अलग दुकान है। अमेरिका में ऐसा होता ही नहीं है, वहाँ तो एक है सर्किट सिटी की पूरी दुनिया में, देश भर में एक ही दुकान मिलेगी, बेस्ट बाय की दुकान मिलेगी, चाय पीना तो पूरी दुनिया में काफी बग्स है, अगर पिज्जा खाना तो वहाँ पिज्जा हट है, वहाँ ऐसी छोटी दुकान है ही नहीं। तो ये उनके हिसाब से कंसेप्ट ठीक है, हमारे हिसाब से कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो अब धीरे धीरे अमेरिका भी इस बात सोचने मजबूर हो रहा है, जितनी हम अपने देश के लिए चिंता करते थे वो करते हैं, इसीलिए हरे रामा हरे कृष्णा हमारे लोग नहीं गा पाए, इसको अमेरिका के लोगों ने, जापान के लोगों ने गाया। महर्षि महेश योगी का ध्यान केंद्र हमारे यहाँ प्रसिद्ध नहीं हो पाया, ये हॉलैंड में जाकर प्रसिद्ध हुआ। ये जिनको बोलते हैं ओशो, इन्होंने अमेरिका में जाकर अपना काम खड़ा किया, भारत में इतना नहीं हो पाया। तो मैं तो खुद जो कल एक बात बोल रहा था कि भारत माता की आरती यानी केवल शब्द भारत, लेकिन भारत में हमको ऋषि मुनि ने सिखाया, हमारे जो प्रार्थना है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र, हमारी भावना यही चालू हुई है। हमारी जो प्रार्थना चालू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अब दुनिया में जितना बड़े सोच से सोचने वाले लोग हैं
वो सब संस्कृति नमन कर रहे हैं, और कोई जरूरत नहीं हमारी संस्कृति भारतीय नाम से जानी जाए। हमारी जो मानवीय संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, ये नाम रहे ना रहे, लेकिन जिस दिन दुनिया सच्चाई को मानेगी उस दिन हमारी संस्कृति जय जयकार होगी। तो आप जो बोल रहे हैं अमेरिका में कार्यक्रम कैसे होते हैं, तो अमेरिका में दोनों तरह के कार्यक्रम होते हैं, भजन के कार्यक्रम भी होते हैं, और अमेरिका में एनवायरमेंट को लेके, इन सब बातों को लेके जो कार्यक्रम होते हैं, हम जैसे तिलक लगाते हैं तो अमेरिका लोग भी तिलक लगाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है तिलक लगाने से फायदा है, उनको लगता है बिंदी लगाने से फायदा है, पाँव चिन्ह से फायदा है। क्योंकि रात को मैंने कार्यक्रम में बहुत हल्का सा विषय लिया था कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, इस्लाम खतरे में पड़ेगा, ईसाइयत खतरे में पड़ेगी, लेकिन हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म पूरा वैज्ञानिक धर्म है। क्रिश्चियनिटी इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बाइबल की पहली लाइन में लिखी हुई है। मैं मूर्खतापूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा कोई साधु संत इस बात को नहीं बोलेगा। हमारे बड़े बड़े बापू भी मंच बैठ के एक दिन क्रिश्चियन की प्रार्थना करवाएंगे, अरे बापूओं पहले बाइबल खोल के देख लो, परमात्मा ने पहले दिन पृथ्वी बनाई, अगले दिन परमात्मा ने पृथ्वी ठीक किया, तीस दिन परमात्मा ने उजाला बनाया, चौथे दिन परमात्मा ने दिन रात बनाया, पांचवें दिन परमात्मा ने सूरज चांद बनाया। इससे मूर्खतापूर्ण बात क्या होती है? और ये हमारे देश के साधु संत जिनको हमने धर्मगुरु माना, ये बोलेंगे बाइबिल और रामायण समान है, बाइबिल हिंदू धर्म के वेद और गीता समान है। तुमने वेद पढ़े नहीं है, तुम पहले बाइबिल पढ़ो, तुम कुरान पढ़ लो, जिस दिन कुरान की आयतें पढ़ ली उस दिन बोलना भूल जाओगे, वरना हिंदू समाज को मूर्ख बनाना बंद करो। हिंदू समाज के दुश्मन ये मदरसे वाले नहीं है, हिंदू समाज के दुश्मन ये बाइबिल पढ़ाने वाले हैं, हिंदू समाज के दुश्मन ये हमारे साधु संत हैं जिन्होंने सिखाया कि मतलब ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। मैं बोलता हूँ ईश्वर अल्लाह नाम है, लेकिन ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू ने ही गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। मंदिर में बैठकर ईश्वर अल्लाह गाने के पहले एक बार मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ के बताओ, वरना हिंदू समाज तो दुनिया भर से कट रहा है। कश्मीर में मंदिर बनाए, अभी जितने बड़े बड़े बापू हैं धर्मनिरपेक्षता की बात करें, कश्मीर में जाकर कथा करें, इनको कथा करना, आसाम की धूबड़ी में जाकर कथा करें, ये पंजाब में जाकर कथा करें, उसके आगे जिन क्षेत्रों में आज भिंडी बाजार जाकर कथा करें, वहां जहां इनको कथा करनी चाहिए वहां नहीं कथा करेंगे, केवल देश का हिंदू समाज। क्योंकि हिंदू समाज में तो हमको सिखाया गया ना, हमारा परमात्मा सर्वत्र है, हमारा परमात्मा पेड़ में है, हमारा परमात्मा पानी में है, हमारा परमात्मा दुनिया में सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। ये तो हमारे ऋषियों ने समझाया, हम भी जानते हैं मुसलमान के अंदर भी वही राम है। मुसलमान को बनाने वाला अल्लाह और हिंदू बनाने वाला परमात्मा ये अलग अलग नहीं है, क्रिश्चियन को बनाने वाला अलग अलग नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके। ये दुनिया में थोड़ी बहुत हिंदू संस्कृति भी बची हुई है, ये कटती कटती आ रही है, और हमको सिखाया जाता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में हम थे, ये गांधार हमारा था, लेकिन अफगानिस्तान बन गया, गांधार मिट गया, हमारी हस्ती मिट गई। ये पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, आज वहाँ हम परेशान हैं, हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान रह नहीं पा रहे हैं, वो भाग के आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं? इस पाकिस्तान की पूरी समस्या जनक कौन है? गांधी की वो मूर्खतापूर्ण बातें जनक है कि जब पूरे हिंदू पाकिस्तान जाने को तैयार थे अंबेडकर के हिसाब से, और वहां से पूरे हिंदू पाकिस्तान से हिंदू भारत आने वाले थे, और भारत के सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते, तो आज ये दंगे नहीं होते, भारत में ये दंगे नहीं होते, और पाकिस्तान में इतने हिंदू परेशान नहीं होते। पाकिस्तान में उसमें 2 करोड़ हिंदू थे, लेकिन आज मुश्किल से 2 लाख हिंदू वो भी नार के जीवन जी रहे हैं, और भारत में 2 करोड़ मुस्लिम थे, आज ये 15 करोड़ हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ और हो जाने दो, और कुछ दिन समस्या होने दो, फिर ना ये बापू बचेंगे, ना कथा करने वाले बचेंगे, ना कोई बचेगा। तो मैं कहता हूँ हमारा धर्म तो विश्व धर्म है, लेकिन विश्व धर्म के लिए शरीर तो है, इस शरीर को बचाना हमारा धर्म है, इस देश की सीमा को बचाना हमारा धर्म है। तो जो बातें कठोर बातें हैं जो सुदर्शनी मार्फत आप भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये और कोई टीवी चैनल नहीं बोलेगा, क्योंकि और कोई टीवी चैनल बोले कैसे? ये स्टार, ये जी, ये आज तक जितने चैनल हैं, अभी तो मैंने सुना शायद व्यूवर्स अवार्ड भी मिला है, सबसे ज्यादा लोग सुदर्शन देखते हैं, लेकिन ये बात हाईलाइट थोड़ी होगी। जी, जो ये अवार्ड मिला है बेस्ट व्यूअर चॉइस अवार्ड, तो उनका ये कहना है कि सुदर्शन घरों घरों में है। जैसे अगर किसी एक चैनल को एक जगह पे देखा जा रहा है, तो हमारा चैनल एक घर में अगर चलता तो 6 घरों के बराबर है, और प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दों पर भी आवाज उठाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो खाली सुदर्शन की प्रॉब्लम नहीं है, एक हिंदी अखबार चाय की दुकान पे होता है उसको 20 लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार 20 लोग नहीं पढ़ते हैं, तो व्यूअरशिप कम अंग्रेजी अखबारों की है, हिंदी अखबारों की व्यूअरशिप ज्यादा है, लेकिन उस बात को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। आज जितने हमारे ये टीआरपी का जो खेल है, ये टीआरपी खेल कौन नहीं जानता है? हम भी जानते हैं टीआरपी खेल क्या है, और ये बड़ी बड़ी कंपनी भी जानती है, और ये कंपनियां कभी सच नहीं बोल सकती ना। आज ये जितनी कंपनियां, आज के पहले कोलगेट कंपनी बोलती थी कि जब विज्ञापन आता था व्यक्ति सरसों का तेल और नमक दांत में लगाता था, कंपनी से कहती थी भैया दांत के लिए सरसों का तेल और नमक, और आज यही कोलगेट कंपनी बोलती कि नहीं हमारे कोलगेट में नमक है, और इस बेवकूफ को दिखाने वाला कौन है? ये कंपनियां दिखाने वाली है। ये बेचने वाली कौन है? ये सुंदरता बेचने वाली कौन कंपनी है? ये कंपनियां हैं। ये बेचने वाले कौन है? और ये सच बोले कहां से? ये कोलगेट के नाम पर बिके हुए चैनल,
ये लक्स के नाम पर बिके हुए चैनल, ये आईपीएल के नाम पर बिके हुए चैनल जो बीपीएल को नहीं दिखा रही, इस देश में सबसे ज्यादा बीपीएल और आईपीएल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। मैं कोई आसाराम बापू को भगत नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, आसाराम बापू ने 3 टैंकर मंगाए, तुम्हारी जान जल रही है, और ये टैंकर जो हजारों टैंकर 40 लाख लीटर पानी बहाया गया आईपीएल के नाम पर, इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये झूठ के बिके हुए चैनल, ये विदेशी कंपनियों के हाथ के गुलाम चैनल, ये भारतीयता की बात करेंगे तो मैं जानता हूं दोस्तों जो समस्या मेरी वो इन चैनलों की भी है। मुझे अच्छा लगा कल जब रिकॉर्ड किया, मैं तो तमाम चैनलों को बोलता हूं कि अगर मुझे दिखाना है तो पूरे चैनल इस बात को बिना मेरे को एडिट करे दिखाएं, क्योंकि तमाम चैनल ये तो बताएंगे 6 आतंकवादियों ने बलात्कार किया, लेकिन 6 में से 5 के नाम बताएंगे, 6ठे का नाम कोई नहीं बताएगा। और एक काम करता हूं, ये जितने भी जज और जितने भी नेता हैं अपनी बहन बेटी छोड़ दें उस जुवेनाइल के साथ में, इनको मालूम पड़ जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट में जाकर देखो, अरे जो व्यक्ति बलात्कार कर सकता है वो नाबालिग कैसे हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन इस बात को बोलने की हिम्मत कौन करेगा, ये विदेशी कंपनी जो हमारे रूल बना रही है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे मित्रों से बात कर रहा था, ये जो हमारी संस्थाएं कुष्ठ रोगियों का आश्रम चला रही हैं, ये गवर्नमेंट उन्हें दबाव देती है, हर बच्चे के लिए इतना बड़ा रूम होना चाहिए, बच्चे को इतनी सुविधा होनी चाहिए, अरे वो सड़क किनारे नाक के जीवन जी रहे हैं, उनके लिए सुविधा कोई नहीं है। ये देश भर के जज भ्रष्टाचार हो रहा है, और जजों के सामने नाक के नीचे सामने जो बोलता हाजिर हो उसको पैसे दिए जाते 50 रुपए 100 रुपए, ये क्या जजों को पता नहीं? सबको पता कहां बेईमानी हो रही है, सबको पता जेलों का कानून किसने बनाए हैं, ये हमारे कानून अंग्रेज बनाकर गए हैं। आज भारत में किसी बच्चे को झापट मत मारो, बच्चे को आपने सुधारने के लिए बोल नहीं सकते, उसको आंख नहीं दिखा सकते हो, ये सरकार का कानून। और ये कानून क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, अमेरिका में बच्चे पालक के साथ रहते हैं, माँ बाप शादी करके बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चा उसके साथ गया, उसका बच्चा उसके साथ गया, वहां की गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कोई अपने बच्चों को झापट नहीं मारे, क्योंकि वहां तो सब सोतेले बच्चे होते हैं, लेकिन यहां तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जो माँ बाप बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं। अरे यशोदा माता ने कृष्ण को मक्खन भी खिलाया और मौका आने पर रस्सी से बांध कर झापट भी मारे, हम सब अपने गुरुजनों की झापट खा कर मार खा कर बड़े हुए हैं, इसलिए आज गुरुजनों का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल गुरुजन बोलते हैं पढ़ तो पढ़ नहीं तो भारत जा, मेरे बाप का क्या जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे से उसका कभी गुरु का संबंध नहीं बन पाया। तो ये बहुत सारी बातें भैया ऐसी जो आप बोल रहे हैं अमेरिका में, ये भारत भी तो अमेरिका होता जा रहा है, तो चिंता अमेरिका को भारत बनाने की नहीं, भारत को भारत बनाने की चिंता ज़्यादा है। और ये भारत अगर भारत रहा तो दुनिया में आज भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार हो रहा है, समस्या भारतीय संस्कृति भारत में खतरे में पड़ रही है, उसको बचाने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं ऐसे चैनल और भी खड़े होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं देश में, बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं, लेकिन जितने भी धार्मिक चैनल चल रहे हैं वो सही बात बोल पाएंगे? आज देश में जनसंख्या में, मैं तो एक बात बोलता हूँ ना, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात समझिए, आज के पहले सरकार जनगणना करती थी, हर बार जनगणना में रिकॉर्ड देती थी, इतने देश में हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने सिख हैं, इतने क्रिश्चियन हैं, सब बताती थी। सरकार ने बताना बंद कर दिया, क्यों बताना बंद कर दिया, बताया कोई चैनल आके? ये जितने चैनल करते हैं, ये जितने धार्मिक चैनल, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जितने बड़े बड़े धार्मिक चैनल है ये भी इस बात को नहीं बताएंगे, ये निर्मल बाबा का प्रोग्राम दिखाएंगे, मुझको इतने चैनल बोलते हैं बाबा जी आपका प्रोग्राम टीवी दिखाएं, हर बार फोन आते कोई किसी न किसी चैनल के, मतलब उसके कोई ना कोई दलाल के, आप हमारा प्रोग्राम इतने टीवी पे दे दो। तो मैं एक बात बोलता हूँ, जब मैं टीवी पर प्रोग्राम दूंगा, जितने साधु संत टीवी पर प्रोग्राम दे रहे हैं इनमें सच बोलने की हिम्मत है? सच कहाँ से बोलेंगे? जब टीवी पर बोलेंगे 10 लाख 15 लाख रुपए एक बार लाइव कराने का देंगे, तो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए देने वाला कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता, ये कुछ रोगियों के बच्चे जिनके लिए आश्रम चला रहे 10 लाख 15 लाख मुझे दे नहीं सकते, तो मैं इनकी नहीं बोलूंगा, फिर कल को मैं बड़े बड़े सेठों के लिए बोलूंगा, फिर मैं ब्रांडेड संत बन जाऊंगा, क्योंकि ज्ञान तो वास्तव में किसी को नहीं चाहिए, ये मैं सच बोलता हूँ, ज्ञान सबके पास है, झूठ बोलना नहीं चाहिए सबको पता है, बेईमानी नहीं करना चाहिए सबको पता है, बलात्कार नहीं करना चाहिए सबको पता है, किसको पता नहीं है? लेकिन देश में दुर्योधन है सबको पता है, दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन तू जो कर रहा है ये पाप है, ये अधर्म है। तो दुर्योधन ने कहा था, जाना में अहम अधर्मम न च मे निवृत्ति, और जाना में अहम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ बेईमानी क्या है लेकिन मैं इससे दूर नहीं हटना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ ईमानदारी क्या है लेकिन मैं ईमानदारी में आना नहीं चाहता हूँ। ये जितने चैनल वाले हैं, ये जितने आम आदमी हैं, ये जितने अखबार वाले हैं, ये सब भी जानते हैं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि बड़े छापते हैं दिवाली होली टाइम पे, अगर होली के टाइम पे कुछ लोगों ने लकड़ियाँ जला ली, होली मना ली, देश में इतनी लकड़ियाँ जल रही हैं। अब मैं एक बार पूछता हूँ, ये समाचार आपने जिस अखबार में छापा है और जिस पन्ने पे छापा है, उस अखबार का एक पन्ना छपने में कितने पेड़ कट जाते हैं, इस बात कौन रिकॉर्ड देगा? एक एक अखबार छपने में ये 40-40 पन्ने के अखबार छपते हैं, 100-100 पन्ने के अखबार दिल्ली में छपते हैं और 2-2 रुपए में अखबार बेचते हैं, तो 100 पन्ने का जो अखबार छपता है 2 रुपए में बिकता है, 2 रुपए भी हाकर ले जाता है, तो 40 रुपए फिर कौन देता है? इस अखबार की 40 रुपए बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, इस 40 रुपए की कोलगेट कंपनी देती है, इस 40 रुपए पेप्सी कोलंबिया कंपनियां देती हैं, और इसलिए बोलता हूं हमारे हमने आदर्श गलत बनाया। इस देश में मांग होती है सचिन को भारत रत्न दो, लेकिन मैं बोलता हूं सचिन भारत रत्न लेने के बाद करेगा क्या? ये सचिन भारत रत्न लेने के बाद भी विदेशी कंपनियों का गुलाम बनके कोका कोला ही बेचेगा। तो आखिर हमने भारत रत्न बनाया किसको? दिल्ली में संसद भवन में से कोका कोला की बोतलें बाहर निकाली गई थी, पेप्सी की बोतलें मिरांडा सेवन बाहर निकाल गए, क्यों? क्योंकि ये सांसद, इनके लिए नियम है कि सांसदों को जहरीला पानी नहीं चाहिए था,
तो मैं बोलता हूँ ये सांसद अगर देश के भक्त थे तो इनको कोका कोला को देश से बाहर निकालना चाहिए जैसे मोरारजी देसाई ने निकाला, लेकिन इन लोगों ने कोका कोला संसद से बाहर निकाली, देश से बाहर नहीं निकाली। तो मैं तो देशवासियों से एक बात बोलता हूँ कि नेता तो इतने मूर्ख नहीं है जो अपना पैसा देकर जहर पिए, इतने मूर्ख कहाँ हैं। तो इतने मूर्ख वो सभी लोग हैं जो मेरे बात को सुन रहे हैं, जो जानते हैं कि ये क्या है, बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो सब जानते हैं साबुन से कोई गोरा नहीं होता है लेकिन फिर भी वो साबुन लेके आते हैं, जो जानते हैं कि स्प्रे लगाने से कोई लड़कियां पीछे नहीं भागती है फिर भी स्प्रे लगाते हैं, वो जानते हैं कि कोई कोलगेट लगाने से दांत मजबूत नहीं होते हैं लेकिन फिर पीछे भागते हैं। तो मैं तो एक बात कहूँगा, ये सुदर्शन मैं तो चाहूँगा, दर्शन तो सब दिखा रहे हैं, न्यूज़ तो सब दिखा रहे हैं, जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन देश का अच्छा दर्शन कोई तो दिखाए। और ये सभी चैनलों से मांग करूंगा, हालांकि मेरी बात कहने कोई फायदा नहीं क्योंकि विदेशी कंपनियों गुलाम चैनल क्या दिखाएंगे, ये विदेशी कंपनियों गुलाम अखबारों ने क्या दिखाएंगे, लेकिन फिर भी बोलना मेरा कर्तव्य है। मैं उनसे बोलूंगा और मैं तमाम साधु संतों से बोलूंगा कि ये हिंदू समाज नहीं बचा तो क्या मियां तुम्हारे पांव पूछेंगे, ये हिंदू समाज नहीं बचा तो ये देश को धर्मांतरित करने वाले, ये कल्याण लक्ष्मण की हत्या करने वाले, ये क्या तुम्हारे बनाएंगे, ये मंदिरों में क्या होगा, मंदिर तो कश्मीर के लोगों ने बनाए थे लेकिन उस समय यही गांधी के अनुयायी लोग थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम तो एक गाते रहे, और कश्मीर के मंदिर में आज आतंकवादी बैठे हैं उनमें भगत नहीं बैठे हुए। और मैं फिर कहूंगा, बहुत कठोर बात बोल रहा हूं कि माता महिषासुर मर्दनी महिषासुर को मारा था लेकिन ये माता महिषासुर मर्दनी मच्छर को नहीं मार सकती है, इसलिए खुद हमने मच्छर फैलाया। ये देशभक्ति का कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये भारत माता की आरती कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारत माता की आरती बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम अपने क्षेत्र में मच्छर ना पनपने दें, हम अपने क्षेत्र को साफ रखें, हम अपनी सड़कों पर गंदगी ना होने दें, और जो चीज़ हम भगवान को ना चढ़ा सकें वो खुद को ना चढ़ाएं। अगर हम गुटखा भगवान को ना चढ़ा सकते हैं तो गुटखा हम अपने अंदर के भगवान को ना चढ़ाएं, क्योंकि मंदिर में भगवान है या नहीं लेकिन मेरे अंदर भगवान है, मंदिर में भगवान है नहीं लेकिन जो आप दर्शक बैठे आपके अंदर भगवान है। हम मंदिर के भगवान को अगरबत्ती चढ़ाना चाहते हैं और खुद के अंदर के भगवान को सिगरेट का धुआं, तो याद रखना फिर कोई भगवान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर इस देश की रक्षा करना है हम अपने आप को अंदर भगवान माने और देश का जो एक एक व्यक्ति है उसके अंदर भगवान माने। तो ये कल का भी जो कार्यक्रम हुआ था, देश में जितनी समाज संस्थाएं काम कर रही हैं मैं उन सबको प्रणाम कर रहा हूँ। ये मेरा जो कार्यक्रम होता है उन तमाम संस्थाओं के चरणों में सिर रखने के लिए प्रोग्राम होता है जो देश में अच्छा काम करते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा इन संस्थाओं सहयोग करें, क्योंकि अगर इन बच्चियों को आश्रम हमने नहीं बनाया होता तो ये कोई ना कोई मदर इंडिया बनकर कोई ना कोई मदर टेरेसा बच्चों ले जाती। अभी मेरे मित्र बैठे थे रवि समर्पण जी से चर्चा कर रहा था, पूरा इतना बड़ा जो कलकत्ता का सेंटर मदर इंडिया का, मदर इंडिया जिनको बोलते हैं मदर टेरेसा, उनके नाम पर दो लोग साफ सफाई करने वाले हैं लेकिन चार लोग इनके साथ कितने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कितने कुष्ठों की सेवा कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी का नाम नहीं आता है। और आखिरी क्रिश्चियन लोग करते क्या हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल चलाकर, गॉड टीवी चलाकर, पीस चैनल चैनल चलाकर चंगाई समारोह सुबह से शाम तक हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये दिखाएंगे, हम चंगाई समारोह करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ तुम चंगाई समारोह करके किसी का पेट ठीक कर सकते हो तो तुम्हारी मदर टेरेसा अस्पताल में एड़िया रगड़ रगड़ के मरी, तुम्हारे पोप अस्पताल जाकर मरते हैं उनको ठीक क्यों नहीं कर देते हो। लेकिन हमारी मजबूरी कि हमारे बच्चों को हम नहीं पालेंगे तो ये लेकर जाएंगे सही, इसलिए कहूँगा धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां, ऐसे में राम बन के घर दिलों से दिल को आप जोड़ दें तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। समय बहुत कम है लेकिन कल जो कार्यक्रम थोड़ा सा राम का आधार लेकर था, समय तो आखिर कम ही समय की पड़ती है और ये मेरे लिए नहीं पूरे जीवन में आखिर कम ही समय की पड़ती है। ये जितने लोग मुझसे सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये सब भी जानते हैं बचपन हमको सिखाते हैं बच्चे पढ़ लो, लेकिन बच्चा बचपन में पढ़ता नहीं है और जब पढ़ाई का महत्व मालूम पड़ता तब तक समय निकल चुका होता है। और जब 80 साल 70 साल के बाद जाके मालूम पड़ता है मकान काम का नहीं, दुकान काम की नहीं है, ये पद काम का नहीं है, और जब आएगा बुलावा हरिकर जब जाने का मौका आता है तब व्यक्ति देखता है कि नाम साथ में जा रहा है, पद साथ में जा रहा है, अंत में सत्य क्या है तो मालूम पड़ता है राम का नाम सत्य है, लेकिन वो इतनी उम्र में जाकर मालूम पड़ता है सच्चाई का कोई महत्व नहीं रहता है। तो बुढ़ापे में जाकर आदमी जीना जीना सीखता है लेकिन जब तक जीना सीखता है जिंदगी में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। और देश में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि जो व्यक्ति टीचर बनेगा तो 60 साल में रिटायर होना चाहिए, ये बनेगा रिटायर होना चाहिए, इसमें नौकरी में रिटायर होना चाहिए, लेकिन नेता रिटायरमेंट की उम्र के बाद जिनसे 70 साल से 80 साल चलना नहीं पड़ रहा है वो नेता देश के मैं ठीक हूं मैं स्वस्थ हूं और जो जवान आगे रहने दे रहे उनको आगे रहने देते हैं। तो मैं बोलता हूं आखिर देश के लिए किसी आज तक एक बुड्ढे ने फांसी नहीं खाई है, गांधी जी ने एक डंडा नहीं खाया है, नेहरू जी ने कभी टांग नहीं तोड़वाई है, और देश के लिए फांसी खाई पूरे जवानों ने, लेकिन जवानों को आज फैशन में लटपटा हुआ देखते हैं। क्यों?
क्योंकि नेशन के नाम पर हमने जवानों को कब दिया, नेशन के नाम पर हमने जवानों को गाली दी है। तो जिस दिन हम फैशन के लिए जितना जवानों को प्रेरित कर रहे हैं नेशन के नाम पर प्रेरित करने लग जाएंगे तो फिर देश में भगत सिंह पैदा होंगे। ये देश में भगत सिंह तो हैं जो इतने कुष्ठ रोगियों के समर्पण के लिए काम कर रहे हैं, ये देश में इतने प्रचारक निकले हुए हैं, ये देश में सर्वस्व समर्पण करके समाज सेवा चला रहे कर रहे हैं, ये सब नवयुवक तो हैं। ये देश के लिए मरना नहीं सीखा, देश के लिए जीना सीखा। और मैं भी चाहूँगा, डॉक्टर हेडगेवार ने सिखाया था कि देश के लिए अगर हम जीना सीख जाएँ तो फिर देश के लिए किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बातें तो अनंत है, फिर कभी आपके बीच में आऊंगा अगली बार में सुदर्शन के लिए। जब एक सवाल आपसे, जिस तरीके के आपके कार्यक्रम होते हैं बहुत भीड़ होती है, उसमें जो आपका विषय होता है सबसे अलग हटके होता है भारत माता की आरती, तमाम साधु संत हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, गीता के जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन जो आपका उद्देश्य है कहीं ना कहीं वो सबसे अलग हटके है, देश प्रेम से ओतप्रोत होता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर युवाओं के लिए कुछ बोलना चाहें तो। मैं केवल एक बात कहूंगा, ये कार्यक्रम मैं भागवत कथा नहीं करके भारत माता की आरती कर रहा हूँ, मैं रामायण कथा नहीं कर रहा हूँ, और मैं भारत माता की आरती इसलिए कर रहा हूँ देश में राम कथा होती रहे, देश में भागवत कथा होती रहे, इसके लिए भारत माता की आरती कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने राम के 4 फीट के स्थान को जन्म माना, हमने अयोध्या की तो पूजा की, लेकिन अगर भारत भूमि नहीं है तो अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर भारत नहीं है तो गंगा का कोई अस्तित्व नहीं, भारत नहीं है तो गाय का कोई अस्तित्व नहीं है। हम गाय की पूजा करना श्रद्धा से चाहते हैं लेकिन भारत को हम श्रद्धा से नहीं देखते हैं, जबकि भारत अगर नहीं है तो 4 धाम भारत के अंदर है। और एक बात है, जहां पर भारत माता की जय बोली जा सकती है वहीं पर राम की जय बोल सकते हैं, जिस हिस्से में भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं वहां पर ना राम कथा हो सकती है ना भागवत कथा हो सकती है। इसलिए सभी साधु संतों से कहूंगा, कथा आपका धंधा है स्पष्ट मानना, कथा बहुत से साधु संतों का धंधा है और अच्छी बात है, मैं तो आपके भले की बोल रहा हूं, अगर आपको धंधा चलाना है तो कम से कम भारत माता की जय बोलते रहना, अगर भारत माता की जय गूंजती रहे तो राम की जय भी गूंजती रहेगी, कृष्ण की जय भी गूंजती रहेगी, तमाम गंगा माता की जय भी गूंजती रहेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान भारत माता का हिस्सा था, अगर वो भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग होते तो आज वहाँ पे भी राम की कथा होती, लेकिन वो राम की कथा नहीं हो पा रही है। आज भारत के जिन हिस्सों में भारत माता की जय बोलने पे खतरा है, सब जानते हैं देश की देश में भारत माता की जय बोलने पे खतरा है, और जिन हिस्सों में भारत माता की जय बोलने पे खतरा है उनमें जय श्री राम बोलने पर खतरा है, उनमें साधु संत निकल भी नहीं पाएंगे। आज अगर जैन साधु भी निकलते हैं तो आखिर वो निकलेंगे तो जैनियों के बीच में से निकलेंगे, एक बार मियाओं के एरिया से निकल के बताओ, और जहाँ चारों तरफ बकरे लटके उसके एरिया में से निकलो और फिर देखो तुम्हें खाना कौन देता है। तो मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ, आज मतलब हमको अपनी परंपराएं बचानी है तो इस भारत माता को बचाना पड़ेगा, और भारत माता को बचाना था अपनी परंपराओं को बचाना पड़ेगा। और अपनी परंपराएं क्या है? अपनी परंपराएं वही है, हम स्वस्थ रहें, हम मस्त रहें, हम प्रसन्न रहें और हमारे कारण दूसरे भी प्रसन्न रहें। तो ये भारत माता की आरती जैसे कोई विषय नहीं है, हर जगह कार्यक्रम करता हूँ अलग अलग विषय होता है, कल अलग विषय था, आज अलग विषय होगा, कल अलग विषय होगा, विद्यार्थियों का अलग विषय होगा। और मैं तो इसलिए विशेष रूप में मैंने कल भी कार्यक्रम किया तो अनुरोध किया था बच्चों को लेके आओ, तमाम साधु संत बोलते हैं कथा में बच्चों को ना लाएं, क्यों नहीं लाएं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो जिन बुड्ढों को कथा सुना रहे वो सुधर जाएंगे क्या? और अगर बुड्ढों ने सोचा समाज सेवा करना चाहिए तो जिनसे खुद को चलने वो चल देंगे क्या? तो आज तमाम कथाओं में केवल महिलाएं कथा सुनने जाती हैं और बुजुर्ग कथा सुनने जाते हैं, बच्चे जाते नहीं। हमारे समाज में कल के राम पैदा होने, कल के रावण से लड़ने वाले कल के राम पैदा होने, उन रामों को हम तैयार नहीं करना चाहते हैं। समाज में रावण का आतंक गूंज रहा है, 10 सिर वाले रावण का नहीं, ये बलात्कार करने वाले, आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, आतंक वाले रावण, इन रावणों का अट्टहास गूंज रहा है, इन रावण से कौन लड़ेगा? क्या राम फिर से पैदा होंगे? अरे राम खुद का मंदिर बचाने नहीं आया, तुम्हें कौन बचाएंगे? तो कल के रावण से लड़ने वाला राम अपने घरों से पैदा होना पड़ेगा। जो आज बच्चा हमारे घर में खेल रहा है वो कल का राम बनेगा, हम उसको कल का राम नहीं बनाना चाहते हैं, उसको हम पेप्सी पिलाना चाहते हैं, उसको हम माइकल जैक्सन बनना चाहते हैं, तो समाज में गुंडागर्दी, उसको कौन रोक पाएगा? तो मैं केवल एक अनुरोध करूंगा, जो कल भी अनुरोध किया था, मंदिर में राम पैदा हो या ना हो, लेकिन हमारे घरों से राम पैदा हो, हमारे मन में राम पैदा हो, हमारे मनों में कृष्ण पैदा हो, सुदर्शन में हरे कृष्ण पैदा हो। और अगर हमारे हाथ में बम रहा तो हमारी बम बम की कीमत होगी, फिर हम शंकर के रूप में बनकर बोलेंगे बम बम, क्योंकि उसे अहिंसा शोभित होती, शक्तिवान जो रहता और शक्तिहीन अहिंसा को जब कायरता ही कहता। ये हमारे टीवी पर सुन रहा था देश के बहुत बड़े बापू, में तो नाम लेने नहीं चाहता हूं ऐसे बापू का, वो मंच पे कथा कर रहे थे राम कथा और देश के पूरे लोग सुन रहे हैं हाथ जोड़कर, बापू आंखों से आंसू बहा रहे हैं, बापू बोल रहे राम के हाथ में धनुष नहीं होना चाहिए। अरे बापू सुन लो, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, और गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करे क्या भूत लात के नहीं मानते बातों से, दावा नल भड़काती वही वायु दीप बुझाती है, और दुर्बल का कोई मीत नहीं है नीति हमें बताती है, ऋषि मुनियों के अस्थि समूह ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है, तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं और उसका कंठी जब तक माला से, रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, और गीता गाकर कापुरुषों को शूर बनाना पड़ता है, श्री
श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, बहुत बड़े बापू हो तो एक बार बैठे चार आतंक को देखो, दिल चेंज कर दो, तुम्हारी साधना से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे राम जी की कृपा मन में धारण करके वहीं से आशीर्वाद दो, जहाँ तेरे दिल चेंज हो जाए। चार आतंकों ने विमान का अपहरण हुआ, ये जितने देश के तमाम साधु संत ये तांत्रिक सबने मिलकर चार आतंक को दिमाग चेंज नहीं कर पाए, और इस देश की जनता को बदल रहे हो। अरे देश की जनता को अपनी शक्ति पर खड़े होना सिखाओ, मुसलमानों को सिखाओ कि ईश्वर अल्लाह एक बात हो सकती है, हिंदू तो जानते हैं परमात्मा कण कण में है, ये मुसलमानों को भी सिखाओ जो कहते नहीं अल्लाह इसी रूप में मिलेगा। इसी के कारण दुनिया में अमेरिका में बम फूट रहे हैं, केवल भारत परेशान नहीं है, जर्मनी परेशान है, ये ट्विन टावर टूटे ये भी इसलिए परेशान है, ये आप देख लो पेरिस में झगड़े हो इसलिए परेशान है। और मैं तो कई बार एक बात बोलता हूँ, प्रजातंत्र है जब तक तब तक हिंदू है बहुसंख्यक, और प्रजातंत्र का द्रोही कभी ना हिंदू हुआ अभी तक। जहां पे हिंदू कम हो जाते दंगे वहीं पे होते, और अहिंदू ही अलगावों के बीच देशों में होते। ठीक है भारत में हिंदुओं की गलती इसलिए मुसलमान लड़ रहे हैं, अमेरिका में किसकी गलती, वहां मुसलमान किससे लड़ रहे हैं, जापान में किससे लड़ रहे हैं, ईरान में किससे लड़ रहे हैं, रशिया में किससे लड़ रहे हैं, कश्मीर में दंगे क्यों हो रहे हैं। अगर ये सहिष्णुता सिखानी है तो जिनके ग्रंथ बोल रहा हूं, क्योंकि लोग मुझको बोलते हैं मुसलमान खराब है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस मंच से सुदर्शन टीवी के माध्यम से, मुसलमान खराब नहीं है, क्रिश्चियन खराब नहीं है, ये जो आतंक फैला रहे बम फोड़ रहे हैं मुसलमान खतरनाक नहीं है, इन मुसलमानों की फैक्ट्री खतरनाक है। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ मुसलमान खराब है, मुसलमान तो एक सॉफ्टवेयर के रूप में पैदा होता है, एक हार्डवेयर के रूप में पैदा होता है। ये ओसामा बिन लादेन, ये दाऊद, ये जितने गुंडे हैं, ये अबू सालेम, ये जिन लोगों ने देश में बम फोड़े हैं, ये बच्चे बनकर पैदा हुए थे। इनको अगर संतों की सीख मिल गई होती और ये कहीं शिशु मंदिर में पढ़ लिए होते, ये किसी संत के आश्रम में घूम लिए होते, तो आज देश में किसी कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहे होते। गलती ये है कि इनके दिमाग में मदरसे में वो शिक्षा भरी गई कि ये बच्चे बिगड़ गए। इस दुनिया में पैदा, भारत में नहीं, दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा जो बम फोड़ रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो सारे के सारे बच्चे परमात्मा की देन हैं। परमात्मा ने उनको एक हार्डवेयर बनाकर दुनिया भेजा, मानव बनने के लिए भेजा था, लेकिन जिनको हम कहते हैं धर्म, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है जिनने उनको दानव बना दिया। और ये दानव तो पूरी दुनिया में दिख रही है। भारत में बोलना बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर केस लगा लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर भारत का मुसलमान खराब होता तो कम से कम अमेरिका का तो सही होता, लंदन का तो सही होता, जापान का सही होता, चाइना का सही होता, या भारत का क्रिश्चियन अगर खराब होता, धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो अमेरिका क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन नहीं करता, और कहीं का धर्म पर, लेकिन सारे के सारे धर्म परिवर्तन करने लगे हुए हैं, पूरा अफ्रीका को खा गए, इधर खा गए, पूरे देश में उद्योग भी उद्योगीकरण फैला फैला कर पैसा लूट लूट कर किया है, और कौन नहीं जानते इनके इतिहास को। अगली बार मुझसे पूछना है ना कभी, तो देश का इतिहास का अध्ययन कीजिएगा, चर्च ने किस प्रकार से मतलब पूरी दुनिया में गुंडागर्दी की है, अमेरिका में किस प्रकार से, मेरा थोड़ी ना ये अंग्रेजी किताब पढ़ लो कि पूरे रेड इंडियन अमेरिका में थे, इन्होंने किया क्या है, इतिहास पढ़ो कैसे अमेरिका खाली किया है, अमेरिका के रेड इंडियन के चेचक लगे हुए जाकेट बांटे हैं, और जब अगली बार गए तो वहां पे पूरे लोग लाशें पड़ी हुई थी, वहां केवल हड्डियां पड़ी हुई थी, इस प्रकार से चर्च के नाम पर गए। और ये चर्च वाले भारत में बोल रहे हैं सेवा करना है, इथोपिया में जाओ, सोमालिया में जाओ, जहां पर लोग भूखे मर रहे हैं वहां जाओ, लेकिन वहां चर्च क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वहां तो क्रिश्चियन ऑलरेडी बन चुके हैं। और मैं इसलिए कहूंगा अपने तमाम संतों से, मेरी बात मानने वाले कौन है, लेकिन मानकर रखना कि जब तक हाथ में शस्त्र नहीं है, यहां यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, दया धर्म की वेग अखड़िया गीली मत होने दे, और कसकर पकड़ कृपाण मुठियां ढीली मत होने दे, जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथ क्यों चले जिनमें अहिंसा की बातें थी, तमाम धर्म ग्रंथ जला दिए गए, क्योंकि उन धर्म को संभालने वाले शस्त्र हमारे पास नहीं थे। शास्त्र तभी सुरक्षित होते हैं जबकि शस्त्र हो, जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। यहां यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। अगर श्रद्धे राम को भी विश्वामित्र के बजाय कोई मुरारी बापू जैसे बापू मिल गए होते तो हो सकता आज पांडव रावण जीत गया होता, लेकिन अच्छा था उसमें विश्वामित्र थे जिनने राम को धनुष बाण पकड़ना सिखाया। अगर राम के हाथ में कमल पकड़ा लिया होता तो देश कहां होता। मैं तो कहूंगा दोस्तों, संत मेरी बात मानेंगे नहीं, उनको अपने भक्त चाहिए, और ये संत अपने भक्तों से ये नहीं कहेंगे कि ईमानदारी से पैसा लाकर दो। जितने बड़े बड़े मंच बना रहे हैं संत एसी में रह रहे हैं, जनता भूखे मर रही है, इस देश के वनवासियों को खाने की रोटी नहीं मिल रही है, और तमाम संतों के पास ऐसी विदेशी गाड़ियां हो रही हैं, ये बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, ये संत अगर चाहें इन पंडाल का पैसा उठाकर दे दें तो जितने हमारे भाई क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं ये क्रिश्चियन बनकर हिंदू बन सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हो सकती है दोस्तों, लेकिन अब कठोरता है, मेरी बातें करने की तरह तो है, और मैं जानता हूँ मेरे को कोई टीवी वाले दिखाने वाले नहीं है, और ना मेरे पीछे कोई भक्त है, क्योंकि मैं भी किसी का भक्त नहीं हूँ और मैं किसी को भक्त नहीं बनाता हूँ। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, बढ़ रहे कदम से आप भी कदम मिलाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आइए इस देश को महान बनाएं। फिर कभी आपसे मिलूंगा, मैं तो चाहूँगा सुदर्शन टीवी जो खड़ा हुआ है और टीवी पर अगर हिम्मत कर सकें, अगर हिम्मत कर सकें, उनके अंदर कभी स्वाभिमान जागृत हो जाए तो सच्चाई कहने की हिम्मत करें, इस देश में राम राज्य कैसे आ सकता है, उसके लिए देश में राम बनाने का प्रयास करें, राम भक्त बनाने का प्रयास न करें। इस देश का भविष्य में दर्शन करूं तो मुझको केवल दर्शन ना हो,
इन टीवी चैनल की तरह बेईमानी का दर्शन ना हो, ईमानदारी के दर्शन हो, सुदर्शन भी हो, क्योंकि तमाम टीवी चैनल ये तो दिखाते हैं कि देश में धर्मांतरण हो रहा है, देश में भूख मर रहे हैं, लेकिन इतनी कुष्ठ रोगी बच्चों के लिए इतना बड़ा आश्रम चल रहा है वो किसी टीवी चैनल ने दिखाया नहीं दिखाया। क्यों? सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य नहीं है। 10,000-11,000 ट्रेन चलती है ये हम नहीं दिखाते हैं, एक ट्रेन की दुर्घटना दिखाते हैं, लाखों करोड़ों लोग भंडारे में भोजन कर रहे हैं ये हम नहीं दिखाते हैं, हम एक व्यक्ति की भूख से मरना दिखाते हैं। तो भविष्य में तमाम जितने चैनल सब मिलकर सुदर्शन अच्छा दर्शन दिखाएं, ये मेरी भावना रहेगी, फिर आप कभी के दर्शन होंगे। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। ये थे स्वामी सत्यनारायण मौर्य जी। तमाम राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी और साथ ही आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया, और तमाम पहलुओं पर जो जितने भी संत होते हैं, जितने भी महात्मा होते हैं, क्या उनके कार्य रहते हैं, कैसे वो करते हैं, तमाम उनको भी कुछ कहीं ना कहीं इशारा किया देश के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, देश की युवा शक्तियों को पहचानने के लिए। कैमरामैन वरुण के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज।